Hey guys, welcome again in Quality Achiever classes. I think everyone waiting me for the next session. Today is a very important classes because I'm introducing you about the important of forest. यानी वन की क्या आवश्यकता है और वन किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ. अगर आप यहाँ पे 15 मिनट दोगे तो आई थिंक कि आपको वन के विषय में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगे. तो आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन और भी इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन बता दूँ. अगर आप चाहते हो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए अच्छे अच्छे नोट्स मिले तो यू मस्ट ज्वाइन माय क्लासेस. और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो और आपके जैसे दूसरे दो बच्चे भी पढ़ सके, अच्छे अच्छे बातों सीख सके, तो इसके लिए आप शेयर करो. और अगर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा. ओके, तो इस तरह से आप सहयोग कर सकते हो मेरे क्लास को आगे बढ़ाने में. तो फ्रेंड्स, वन का जो है हमारे जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार से इम्पॉर्टेंस है. तो इस चैप्टर को मैं सर्वप्रथम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसे कि आप देख लो और इस नोट से जो है कि जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके आप उसे अपने अंदर सोखो और अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाओ. आपका जो है कि नॉलेज लेवल आने वाले 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, खासकर वन के विषय में. ओके, तो रेडी टू स्टार्ट दिस क्लास, कम टू द पॉइंट. तो मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया है जो कि वन हमारी जीवन रेखा, वही क्लास चैप्टर से है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. तो एक वृक्ष जो है हम लोगों को प्रत्येक वर्ष अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वन का जो है कि कॉम्बिनेशन हमारे अर्थ पे बना रहेगा और ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है इस तरह से. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्या है वृक्षारोपण? अत्यंत जरूरी है. क्यों जरूरी है? तो वन अनेक जीव जंतुओं का घर है. हम हर साल लाखों वृक्ष को अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, काटते हैं, जिससे ना केवल जीव जंतुओं को क्षति होती है बल्कि पर्यावरण संतुलन भी खराब हो जाता है. इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर वृक्ष की कटाई करते रहे तो कम से कम क्या करना चाहिए, हर वर्ष जो है एक वृक्ष लगाना चाहिए. अगर 132 करोड़ हमारी भारत की जनसंख्या अगर सभी ने अगर प्लांटेशन किया तो 50% मान के चलता हूँ मैं एवरेज, या 30% होगा तब भी जो है कि लगभग रख लो आपको 30 करोड़ प्लांट्स वन ईयर्स में लगेंगे. इस तरह से वन ईयर्स 10 ईयर्स के बाद आप सोच लो कि कितना ज़्यादा 30 करोड़ से 300 करोड़ हो जाएगा. तो हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है ना. आप अपने घर के आसपास भी लगा सकते हो. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पादप और मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध क्या होता है. तो आप यहाँ फोटोज़ में देख रहे हो कि मृदा, अगर वन नहीं रहेंगे तो मृदा को जकड़ के नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे बाढ़ आएगा, पानी आएगा, वहाँ का मृदा को अस्खलित करके यानी अपघटन करके वहाँ के मृदा को जो है कि आगे कर दिया जाएगा, मतलब कि ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ पे बाढ़ आने की ज़्यादा समस्या होगा, वहाँ के जीव जंतुओं को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना होगा. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी. तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए. अगर पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पर्यावरण में मात्रा बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती जाएगी. तो आप इस विषय में अवश्य सोचें. ओके, और जल भी ख़त्म हो जाएगा, पीने वाला जल. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए वो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया. क्या होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया? आई थिंक कि सभी जानते हैं बट एक बार फिर से रिवीजन करने में क्या जाता है, आप रिवीजन कर लो और अपने फ्रेंड्स को जो नहीं जानते हैं उसे जानने का भी मौका दो. क्लियर? तो सूर्य का प्रकाश क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा खनिज लवणों के सहयोग से वृक्ष अपना भोजन बनाता है. इस अभिक्रिया से जो होता है कि ऑक्सीजन जो होता है O2 का उत्सर्जन होता है, जिससे कि हम लोग लेते हैं और पर्यावरण जो है कि स्वच्छ रहती है. तो इसलिए अधिक प्लांटेशन लगाने के लिए हम लोगों को कहा जाता है. नोट क्या एक पॉइंट है कि वृक्ष स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये भोजन अपना खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं.
तो आपको यहाँ याद रखना होगा, ये भोजन अपना खुद तैयार करते हैं, ये किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमस क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपको, तो इसलिए जानना जरूरी है। जब सूक्ष्म जीव मृत पादपों को तथा जीव जंतुओं के उत्तकों को खाते हैं तो उनसे एक गहरा रंग का पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, इन्हीं पदार्थ को हम ह्यूमस कहते हैं। तो आपको पता होगा, नोट में एक मैंने पॉइंट डाला है, सूक्ष्म जीव जो मृत पादपों या मृत जीव जंतुओं को गहरे रंग में बदलते हैं उसे अपघटक कहा जाता है, जो गहरा रंग होता है उसे अपघटक कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है वो है वनों से हमारे मतलब किस किस तरह से लाभ होते हैं हमें। तो आपको पता होगा, वन से हमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्राप्त होती है, जैसे लकड़ियां, जड़ी बूटी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा वन जो है किससे छुपा हुआ है, वन विभिन्न कार्यों में उपयोगी है। तो आपको होना चाहिए कि हमें प्लांटेशन जरूर करना चाहिए, पर्यावरण में सहयोग बनना चाहिए, और ये जो है कि आने वाले पीढ़ी ही कुछ प्लांटेशन किया, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था पर्यावरण दिवस पे, आप ज़रूर जाके देखें, आपको पता चल जाएगा क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट के विषय में, है ना। तो आप लिख दोगे, आप प्लेलिस्ट में आप जाओगे मतलब कि, तो वहाँ पे वीडियोस में जाओगे तो 5 जून के आसपास मैंने वो वीडियो बनाया था, वही पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, तो आप जाके ज़रूर देखो। अगर और जो है कि, और इस तरह के सारे वीडियोस अगर मिलना चाहते हो कि मुझे सारे वीडियोस मिले, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ओके, तो अगला जो पॉइंट है, वन से मृदा अपरदन नहीं होती है, यानी मिट्टी का बहाव नहीं होता है और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। क्या होता है, वनों के द्वारा समय समय पर बारिश भी होती रहती है जिससे भूमिगत जल सतह बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट जो है, वनों से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे प्राकृतिक के संतुलन को कायम रखती है, और जो है नेक्स्ट, वनों से हमारे आसपास का माहौल भी स्वच्छ हवा से भरा रहता है, और स्वच्छ हवा अगर रहेंगे तो हम बहुत सारे बीमारियों से भी दूर रहेंगे, है ना। यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होती है वो कम से कम दूर रहेगा, आपके ब्लड जो है कि स्वच्छ ऑक्सीजन को कैरी करेगा और हेमोग्लोबिन अच्छे से क्रिएट करेगा, और जिससे कि आप स्वच्छ जीवन जी सकोगे, इसलिए अधिक से अधिक प्लांटेशन करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अत्यधिक वनों की कटाई के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आप जानते हो कि अत्यधिक वनों की कटाई से सबसे पहले क्या होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और तापमान बढ़ेगा, और वनों के अभाव से जीव जंतु को खाद्य तथा आश्रय नहीं मिल पाएगा, जो कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर ऐसा होगा तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगेगी और तरह तरह की समस्याएं क्रिएट होने लगेगी। तो अगला पॉइंट्स क्या है, वनों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। आप देखोगे कि बिहार के क्षेत्र में, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल में भी अभी जो है बाढ़ आया, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अगर प्लांट रहेंगे तो समय समय पर बारिश भी होगी, तरह तरह की समस्याओं से हम दूर रहेंगे, तो बहुत तरह की परेशानियाँ आ जाती है। तो इस कारण से वनों का अत्यधिक अपरोपण हमारे पर्यावरण और हम सब के लिए बड़ी समस्या है, इसलिए वनों का के संरक्षण के लिए हमें अवश्य ही बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट द बेहतर कदम फॉर द रिजॉल्व दिस सॉल्यूशन क्वेश्चंस, राइट। तो आपको इसके विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। अगला जो है जल चक्र, क्या होता है जल चक्र, आपको पता है अगर वन नहीं होंगे तो जल चक्र ध्यान अच्छे से नहीं हो पाएगा और तरह तरह की समस्या आएगी और हमें हमारे जीवन में स्वच्छ जीवन नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि इस विषय में ज़रूर अच्छा जानकारी चाहिए कि आप देखते हो वाटर जो है सनलाइट के कारण वेपोरेट होके बादल का निर्माण करता है, और बादल जो है रेनिंग के माध्यम से फिर पुनः पृथ्वी पर आकर जल के आपूर्ति को पूरा करता है। तो इस तरह से जो है कि वाटर जो है कि साइकिल काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप चलते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या है, वो ये है जल के बाद हम आते हैं वन, हमारी जीवन रेखा। तो इसमें जितना भी हो सका मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दिया, और देखिए वन आकर्षण का मुख्य केंद्र भी रहता है, लोग प्रायः चाहते हैं कि ऐसे एरियाज जाएं जहां एडवेंचर से भरा हो, साहसिक कार्य से भरा हो, तो बच्चे प्रायः ऐसे ही जगह जाना चाहेंगे पहाड़ी एरिया में। अगर हम प्लांट नहीं लगाएंगे तो बहुत तरह की समस्याएँ होगी, और हम कैसे इस ऐसे एरियाज में परिभ्रमण कर सकते हैं, तो सो यू मस्ट थिंक अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट जो है कि वन
अगर नहीं होगा तो वहाँ तरह तरह के जीव जंतु को बहुत सारी समस्या होगी, इसके विषय में मैंने चर्चा किया, तो आप पिक्चर्स को देख सकते हो और समझ सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है, और भी कुछ पॉइंट्स अगर छूटे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर छोड़िए, तो मैं आपको उसे ज़रूर बताऊँगा। तो आप देखिए, यहाँ पे हमको विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे गोंद हो गया, लकड़ी हो गया, औषधि हो गया, तेल हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वी गॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट, सो वी मस्ट प्रोवाइड द फॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कुछ खास अब पॉइंट बचा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको उस तरह के सारे समस्याओं को बता दिया है जो कि हमारे आसपास है। और ये जो है कि ऑक्सीजन जो है, जंतु, कार्बन डाइऑक्साइड, पादप, ऑक्सीजन, ये सारे लेयर्स को कंप्लीट करके कौन रखता है? प्लांट रखता है। तो सो यू मस्ट केयर अबाउट दैट। ओके, आप देखो प्लांट जो है कि विभिन्न प्रकार से हम लोगों को मदद करता है, तो आपको इस विषय में ज़रूर सोचना होगा। आई थिंक कि आपका नॉलेज लेवल ज़रूर है कि 0.0005% भी बढ़ा होगा, है ना। तो इस तरह के वीडियो सारे मेरे चैनल्स पे अवेलेबल होंगे, और कुछ दिन के बाद लाइव क्लास भी मैं चलाने जा रहा हूँ। तो आई थिंक कि आपको ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे, और चलिए हमने क्या क्या सीखा है उसके विषय में चर्चा थोड़ा कर ले। वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो आई थिंक कि मैंने इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा, मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, आपको सारा कंप्लीट कर दिया। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो और क्या है, वन विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होती है। आपको पता है वन में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो पर्यावरण के संतुलन को बना के रखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगला जो पॉइंट क्या है, वनों में वनस्पति की विभिन्न परतें जीव जंतु, पक्षियाँ, कीटों और भोजन का आश्रय स्थान प्रदान करती है। तो वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करके रखता है। तो आपको इस विषय में ज़रूर जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स। आई थिंक कि आपका नॉलेज लेवल बढ़ चुका होगा, और भी कुछ छूटा है तो कॉमेंट में बताओ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल चुके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैंने रेलवे का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी स्टार्ट कर रखा है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आप जाके, वहाँ पे प्लेइंग लिस्ट होता है ना, वहाँ पे जाके आप जो है कि ग्रुप डी स्पेशल सर्च करके आप वहाँ से सारे देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर द वाचिंग क्वालिटी अचीवर क्लासेस, थैंक यू सो मच।